नमस्कार, मैं हूं शिखर दीप और आप देख रहे हैं जीबीएन 24। लू हिंसा की लपटें अब राजनीतिक गलियारों में भी पहुंच गई। राजनीतिक गलियारों में जब ये आग पहुंची तो इस पर जमकर राजनीति हुई, जिसके बाद प्रशासन ने काफी तेज एक्शन लेना शुरू कर दिया। होटल शोरूम से लेकर रोहिंग्यों की झुग्गियों तक तकरीबन 750 अवैध निर्माणों पर प्रशासन का बुलडोजर चला। लेकिन फिर भी सवाल यही रहेगा कि आखिर एक्शन लेने में इतनी देरी क्यों। हरियाणा की मेवात नूह में 31 जुलाई को ब्रिजमंडल यात्रा निकाली गई थी। इसी दौरान यात्रा पर पथराव हो गया था। देखते ही देखते ये दो समुदायों में हिंसा बदल गई। हिंसा को लेकर अब तक 56 FIR दर्ज की गई है। 147 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ ही प्रशासन का बुलडोजर एक्शन भी जारी है। रविवार को हिंसा प्रभावित नूह में प्रशासन ने एक होटल समेत कई अवैध संरचनाओं पर बुलडोजर चला दिया। आरोप है कि नूह में शोभा यात्रा के दौरान जब हिंसा भड़की थी, तब इन्हीं जगहों पर शोभा यात्रा पर पथराव किया गया था। नूह में नलहर रोड चौक के पास 3 मंजिला सहारा होटल, एक रेस्टोरेंट और टाइल्स के एक शोरूम पर बुलडोजर चला दिया गया। SDM अश्विनी कुमार ने बताया कि ये निर्माण अवैध थे और हिंसा के दौरान उपद्रवियों ने इनका इस्तेमाल पत्थर फेंकने के लिए किया था। पुलिस ने बताया कि CCTV फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि लोगों ने सहारा होटल की छत से पत्थर फेंके और फायरिंग की। उन्होंने बताया कि होटल मालिक को सब कुछ पता था, लेकिन इसके बाद भी उसने अपराधियों को पत्थर इकट्ठा करने से नहीं रोका। 4 बुलडोजर से होटल को 4 घंटे में ढहा दिया गया। नूह के डिप्टी कमिश्नर उपायुक्त धीरेंद्र खड़गटा ने कहा कि जिले में अवैध निर्माण और असामाजिक गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। अब तक 37 जगहों से ये अवैध निर्माण हटाए गए हैं, जिनमें से 162 स्थायी व 591 अस्थायी निर्माण थे। इतना ही नहीं, नूह के पुनहाना, पिंगनवा, नगीना, टोरू और फिरोजपुर झिरका में प्रशासन की अलग अलग टीमों ने अर्धसैनिक बल और पुलिस के साथ पहुंचकर अतिक्रमण हटाया। पुलिस हिंसा में शामिल आरोपियों की तलाश में जुटी है। लगातार अलग अलग जगहों पर छापेमारी की जा रही है। अब तक 56 FIR दर्ज की गई है। 147 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें से 8 लोगों को राजस्थान के भरतपुर अलवर से गिरफ्तार किया गया है। गुरुग्राम पुलिस की 50 सदस्यीय टीम ने रविवार को नलहड़ पहाड़ी पर भी छापेमारी की, जहां से उपद्रवियों ने कथित तौर पर भक्तों पर गोलियां चलाई थी। पुलिस ने बताया कि पहाड़ी पर 10 बजे से 3 बजे तक सर्च ऑपरेशन चला। इस दौरान 2 देसी कट्टे और कई गोलियां बरामद हुई। रविवार को नूह में 9 बजे से 12 बजे तक छुट्टी दी गई। वही खबर सामने आ रही है कि सोमवार से यानी आज से नूह में बैंक और ATM को थोड़ी देर के लिए ट्रायल बेसिस पर खोला जाएगा। जिला मजिस्ट्रेट धीरेंद्र खड़गटा की ओर से रविवार को जारी आदेश में कहा गया है कि ट्रायल के तौर पर 7 अगस्त को बैंक और ATM खोलने का फैसला किया गया है। बैंकों में वित्तीय लेन देन सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक होगा, जबकि ATM दोपहर 3 बजे तक खुले रहेंगे। सरकारी दफ्तर भी 7 अगस्त से खुलेंगे। कर्मचारी अपना पहचान पत्र ले जाकर ऑफिस में जा सकते हैं। उन्होंने कहा, जिले में स्थिति अब सामान्य है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहे जीबीएन 24।